हेलो बच्चों, एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा 2024 के टॉपर बैच में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को SCC, BCC और FCC में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है बता दिया गया है। आज के वीडियो में उसी के आगे यानी SCC, BCC और FCC के परमाणुओं की त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यानी ये प्रश्न इस प्रकार भी आता है कि घन एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो कोर की लंबाई क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या क्या होता है, और इन दोनों को मिलाने से SCC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए क्या संबंध बनता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अंत तक अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जिससे हमको मोटिवेशन है मिलता रहे और आप लोगों तक अच्छा सा अच्छा वीडियो पहुंचता रहे। आप लोग यदि इस वीडियो लेक्चर का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अबाउट सेक्शन में दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए और उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को पूरे चैप्टर का हैंड राइटिंग नोट्स का PDF भेज दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, आज का हेडिंग लिया गया है घन एकक कोष्ठिका के परमाणु त्रिज्या का निर्धारण, यानी घन एकक कोष्ठिका में परमाणु त्रिज्या का निर्धारण कैसे करते हैं। तो घन एकक कोष्ठिका में परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण कोर की लंबाई की सहायता से करते हैं। किसके सहायता से करते हैं, कोर की लंबाई। कोर की लंबाई किसे कहते हैं, बताया गया है दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी कोर की लंबाई कहलाती है। जैसे देखिए लिखा गया है घन एकक कोष्ठिका में परमाणु त्रिज्या का निर्धारण कोर की लंबाई की सहायता से करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये कोई एक घन बनाया गया है, घन बनाया गया है और इन घन में हम जानते हैं घन के प्रत्येक कोनों पर जालक बिंदु होती है और उसी जालक बिंदु की सहायता से कण की त्रिज्या ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये कण बना दिया गया है, ये कोई कण है और कण कैसे होते हैं, गोलाकार। प्रत्येक कण की त्रिज्या देखिए आर है, कण की त्रिज्या कितनी है, आर है देखिए। और कोर की लंबाई क्या है, दो कणों के बीच की दूरी, देखिए दो कणों के बीच के केंद्रों की दूरी, देखो दो कणों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या कहलाए, कोर की लंबाई, जिसको व्यक्त किया गया है ए से। कोर की लंबाई देखिए, यहाँ पर अगर एक कण बना दिया जाए तो कोर की लंबाई क्या हो गया, ए, यानी कोर की लंबाई को व्यक्त किया गया है ए से और त्रिज्या को व्यक्त किया गया है स्मॉल आर से। अब इस आर और ए में किस प्रकार का संबंध निकलता है SCC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए, तो बहुत सिंपल है। आपके पेपर में केवल सूत्र आता है, इसका डेरिवेशन करने के लिए नहीं आता है। तो आप लोग सूत्र जान लीजिए, SCC मतलब है, इसकी हिंदी क्या होती है, सरल घन एकक कोष्ठिका, सरल घन एकक कोष्ठिका। आप लोग जानते होंगे, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से जान जाएंगे। सरल घन एकक कोष्ठिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए परमाणु की त्रिज्या यानी आर बराबर होता है a/2, यानी R बराबर कोर की लंबाई का कितना होता है, आधा SCC के लिए। BCC के लिए क्या होता है, R बराबर अंडर रूट थ्री बाई फोर का a गुना, अंडर रूट थ्री बाई फोर कितना गुना होता है, a गुना, यानी R बराबर हो गया अंडर रूट थ्री अपान फोर इंटू a। ये BCC के लिए कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या में संबंध है। और FCC के लिए क्या होता है, R बराबर अंडर रूट टू बाई फोर, R बराबर कितना होता है, R बराबर अंडर रूट टू बाई फोर इंटू ए। यह है किसके, FCC के लिए। BCC का हिंदी क्या होता है, हिंदी काय केंद्रित घन एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित घन एकक कोष्ठिका, ये हो गया BCC का। और FCC का क्या होता है, फलक केंद्रित,
फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका, घन एकक कोष्ठिका। इस प्रकार यस सी सी, बी सी सी और एफ सी सी, यस सी सी के लिए आर बराबर ए बाई टू, बी सी सी के लिए आर बराबर अंडर रूट थ्री अपान फोर इंटू ए, और एफ सी सी के लिए आर बराबर अंडर रूट टू अपान फोर इंटू ए। ये तीनों यानी घन एकक कोष्ठिका के तीनों प्रकार यस सी सी, बी सी सी और एफ सी सी, ये तीनों के कोर की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं या परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, इन्हीं सूत्र की सहायता से हमें ज्ञात कर लेंगे। वीडियो बहुत छोटी थी, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। ऐसे छोटे छोटे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर पूरे इंटर का केमिस्ट्री 2024 के लिए पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, जो बिल्कुल मुफ्त रहेगा। और अगर आप लोग इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। जिस नंबर से आप हमें व्हाट्सएप करेंगे उसी नंबर पे हम आपको पीडीएफ है पुनः व्हाट्सएप कर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।